डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में HGP भी बोल देते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। सबसे पहले जीनोम क्या होता है? तो जीनोम होता है टोटल जीन कंप्लीमेंट ऑफ ए हैप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम। हमारी बॉडी में हैप्लॉयड, डिप्लॉयड यानी सिंगल सेट अगर क्रोमोसोम की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बॉडी में 23 क्रोमोसोम्स का एक सेट होता है, और डिप्लॉयड सेल के अंदर अगर हम बात करें तो 46 क्रोमोसोम्स होंगे, यानी कि टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। तो जीनोम का मतलब क्या होता है? जीनोम इज इक्वल टू हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन एन इंडिविजुअल, या आप कह सकते हैं टोटल जीन कंप्लीमेंट इन द हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो हमारे 23 क्रोमोसोम्स के अंदर जितना टोटल जीन कंटेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज जीनोम। नेक्स्ट है कि जीनोम और जीन्स की स्टडी को, स्टडी बेस्ड अपॉन जीन्स एंड जीनोम्स, इसको हम क्या बोलते हैं? जीनोमिक्स। तो जीनोम एंड जीनोमिक्स, ये दो सेपरेट टर्म्स हैं। अब इसके बाद बात आती है कि जैसे जैसे साइंस की फील्ड में एडवांसमेंट हुई, नई नई टेक्निक्स जो हैं उनकी डेवलपमेंट हुई, तो उसके साथ साथ हमारा जो इंटरेस्ट था वो बढ़ता गया टुवार्ड्स सीक्वेंसिंग द ह्यूमन DNA, कि हम ह्यूमन DNA जो है उसको सीक्वेंस करने का काम करें। इसकी तरफ साइंटिस्ट का इंटरेस्ट जो था वो बढ़ता गया। देखो, दुनिया में कोई भी दो इंडिविजुअल एक जैसे नहीं हो सकते, एक्सेप्ट दी मोनोजाइगोटिक ट्विन्स, यानी जो इंडिविजुअल, जो ह्यूमन बीइंग सिंगल जाइगोट से डेवलप होते हैं, जिनको हम मोनोजाइगोटिक ट्विन्स बोलते हैं, उनका जेनेटिक मेकअप एक जैसा होगा। बाकी दुनिया में कोई भी ऐसे दो हमें ह्यूमन बीइंग नहीं मिलेंगे जिनका जेनेटिक मेकअप या जिनका जीनोम एक जैसा होगा। ये जो डिफरेंस आता है इन द जेनेटिक मेकअप ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल, ये किसके कारण आता है? ये आता है ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर DNA सीक्वेंस। उनके DNA के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड्स की, जो नाइट्रोजन बेसिस की जो सीक्वेंस होती है वो भी डिफरेंट होती है डिफरेंट इंडिविजुअल्स के अंदर, उसके कारण उनका जेनेटिक मेकअप भी क्या होगा? डिफरेंट होगा, एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक ट्विन्स, क्योंकि उनके DNA में न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस एक जैसी होगी, क्योंकि वो सिंगल या कॉमन जाइगोट से डेवलप हुए हैं इस कारण से। तो डिफरेंस इन जेनेटिक मेकअप इज ड्यू टू द डिफरेंस इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑन देयर DNA। इसलिए हमेशा से ये एक जो है फील्ड रहा है कि ह्यूमन जीनोम को जो है वो सीक्वेंस किया जाए, उसको मैप किया जाए। तो इसके लिए 1990 में, अक्टूबर 1990 में एक मेगा प्रोजेक्ट जो था वो लॉन्च हुआ। अब मेगा प्रोजेक्ट क्यों बोल रहे हैं? मेगा प्रोजेक्ट इसलिए कि इसकी कॉस्ट लगभग जो थी, एस्टिमेटेड कॉस्ट वो $9 बिलियन थी, $9 बिलियन। इसमें लॉट ऑफ साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे, इसमें कई सारा सपोर्टिंग स्टाफ इन्वॉल्व था, यानी मैन पावर लॉट ऑफ थी। दूसरा, थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स इसमें जो थे इन्वॉल्व थे। इसके अलावा अगर हम इस प्रोजेक्ट के जो सारी टोटल ये प्रोजेक्ट चला, उस प्रोजेक्ट की सारी फाइंडिंग्स, उसके दौरान जितना भी काम हुआ, अगर उसको एक प्रिंटेड मैनर में अवेलेबल करना हो तो
मान लो अगर 1000 पेजेस की कोई बुक हो और हर एक पेज के ऊपर 1000 लेटर्स लिखे जाएं, तो लगभग ऐसी 3300 बुक्स चाहिए इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को जो है समराइज करने के लिए। तो इतना बड़ा ये प्रोजेक्ट था, इसलिए इसको मेगा प्रोजेक्ट का नाम दिया गया। और ये स्टार्ट हुआ अक्टूबर 1990 में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ अलोंग विद वेलकम ट्रस्ट ऑफ यूके। वेलकम ट्रस्ट ऑफ यूके ये एक मेजर पार्टनर के तौर पे, वेलकम ट्रस्ट ऑफ यूके यूनाइटेड किंगडम का एक वेलकम ट्रस्ट नाम का कोई जो था सोसाइटी या ट्रस्ट कह लीजिए, वो साथ में मेजर पार्टनर के तौर पे इन्वॉल्व हुआ इस प्रोजेक्ट में। तो इनिशियली यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ अलोंग विद वेलकम ट्रस्ट ऑफ यूके दे लॉन्च दिस मेगा प्रोजेक्ट इन 1990। और ये प्रोजेक्ट जो था ये कंप्लीट हुआ इन 2003। इसका मतलब ये 13 ईयर्स लगे, तो टाइम के हिसाब से भी एक मेगा प्रोजेक्ट है। 13 ईयर्स तक ये जो प्रोजेक्ट था वो चलता रहा। और एस्टिमेटेड कॉस्ट जैसे मैंने बोला कि इन द बिगिनिंग $19 बिलियन इसकी जो थी वो एस्टिमेट की गई। इस प्रोजेक्ट के कुछ गोल्स थे, ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट यानी HGP, ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट और जिसमें दुनिया की बाद में कई कंट्रीज इन्वॉल्व होगी, जैसे इसमें जर्मनी, फ्रांस, चाइना, ये डिफरेंट कंट्रीज भी साथ में इन्वॉल्व होगी, यानी इनके साइंटिस्ट भी इन्वॉल्व हुए। तो ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च करने की ज़रूरत क्या पड़ी, तो उसके कुछ गोल्स थे। तो गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, मेजर गोल्स थे टू आइडेंटिफाई ऑल द जीन्स इन ह्यूमन जीनोम, क्योंकि इससे पहले एस्टिमेशन थी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख ऐसे अलग अलग जो थी बुक्स के अंदर इंफॉर्मेशन मिलती थी कि इतने जीन्स हैं। तो पहला तो इसका क्या था, टू आइडेंटिफाई ऑल द जीन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन जीनोम एंड व्हाट इज देयर टोटल नंबर, उनका टोटल नंबर क्या है और उनकी आइडेंटिफिकेशन। सेकेंड गोल जो सेट किया गया, टू डिटरमिन द सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन बेस पेयर्स। ह्यूमन जीनोम के अंदर जो टोटल 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स हैं, उनको क्या करना, उनकी सीक्वेंस का पता लगाना, तो उनकी सीक्वेंसिंग करना, उनका जो है किस सीक्वेंस में वो प्रेजेंट हैं, तो इसको भी डिटरमिन करना, ये भी एक गोल था। थर्ड क्या है, स्टोर द इंफॉर्मेशन इन डाटा बेसिस, जितनी भी इंफॉर्मेशन आए उसको स्टोर करना इन डाटा बेसिस। और फिर देखो जब भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट चलता है बड़े लेवल पे, क्योंकि ये एक मेगा प्रोजेक्ट था, तो उसके कारण कई तरह के इश्यूज खड़े हो सकते थे, जैसे कोई सोशल इश्यूज, कोई लीगल इश्यूज या कोई इथिकल इश्यूज। तो इसका एक गोल ये भी था टू एड्रेस दी ELSI। ELSI का मतलब क्या है, इथिकल लीगल सोशल इश्यूज, कि इस प्रोजेक्ट के कारण जो भी कोई लीगल इश्यूज पैदा होंगे या कोई इथिकल इश्यूज पैदा होंगे या कोई सोशल इश्यूज पैदा होंगे, तो उनको ये क्या करे, एड्रेस कर सके। इसलिए भी जो है ये ह्यूमन प्रोजेक्ट का ये भी एक गोल था इनमें से। तो ये कुछ मेजर गोल्स थे जिसके कारण ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है ये लॉन्च किया गया, या इन गोल्स को ध्यान में रख के ये लॉन्च किया गया। इसके साथ साथ कई और ऑर्गेनिजम्स के DNA की भी सीक्वेंसिंग जो थी वो की गई, अकेले ह्यूमन बींग के जीनोम की ही नहीं बल्कि और भी कई ऑर्गेनिजम्स, जिनमें अगर मैं बात करूं तो जैसे यीस्ट की, या इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया की,
ड्रोसोफिला की यानी फ्रूट फ्लाई की, तो इनके डीएनए जो थे उनकी सीक्वेंसिंग भी जो थी वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के साथ साथ और भी ऑर्गेनिज्म जो हैं प्रोक्रियोट्स यूकेरियोट्स उन सब की भी ये सीक्वेंसिंग की गई। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद, ये तो हो गए गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब है मेथोडोलॉजीज कि हमारे पास इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लिए जो मेथोडोलॉजीज अभी अप्लाई होती हैं या की गई वो कौन कौन सी हैं। तो दो मेथोडोलॉजीज हैं, दो अप्रोचेज हैं। नंबर वन एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, ईएसटी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। और दूसरी है सीक्वेंस एनोटेशन, सीक्वेंस एनोटेशन। देखो ये जो फर्स्ट है एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इस अप्रोच के अंदर और इट फोकस टू आइडेंटिफाई ऑल द जीन्स विच आर एक्सप्रेस्ड एज आरएनए। इट फोकस टू आइडेंटिफाई ऑल द जीन्स विच आर एक्सप्रेस्ड एज आरएनए, तो ये इसके ऊपर फोकस करती है। और दूसरी क्या है सीक्वेंस एनोटेशन, दिस अप्रोच, ये अप्रोच जो है या ये जो मेथोडोलॉजी है वो है टू सीक्वेंस एंटायर जीनोम। इसके अंदर हम क्या करते हैं टू सीक्वेंस द इंटायर जीनोम ऑफ ह्यूमन बीइंग इन विच ऑल द कोडिंग एंड नॉन कोडिंग रीजंस आर टेकन इनटू कंसिडरेशन, जिसमें हम कोडिंग एंड नॉन कोडिंग रीजन सबको लेके पूरा जो इंटायर जीनोम होता है उसकी क्या करते हैं उसकी सीक्वेंसिंग करते हैं। और इसमें क्या करते हैं, इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं उन सारे जीन्स को विच आर एक्सप्रेस्ड एज आरएनए। तो ये दो मेजर हमारे पास अप्रोचेज हैं या मेथोडोलॉजीज हैं जिनका अभी तक यूज किया जाता है। फिर इसमें करते क्या है, आगे थोड़ा और एलेबोरेट अगर करूं तो जीनोम ह्यूमन सेल से लेके उसकी डीएनए की फ्रेगमेंट्स करके उनकी फिर क्लोनिंग करवाई जाती है इन सूटेबल होस्ट। और होस्ट जो लिए जाते हैं वो मेनली आइदर बैक्टीरियल सेल्स यीस्ट सेल्स, उनको लेके विद द हेल्प ऑफ सर्टेन वेक्टर्स, और अगर बैक्टीरियल सेल के अंदर हम किसी ह्यूमन डीएनए की फ्रेगमेंट की क्लोनिंग करवाएंगे तो बैक्टीरियल सेल के अंदर अगर क्लोनिंग करवाएंगे तो वेक्टर के तौर पे, अगर यीस्ट सेल ले रहे हैं हम उसमें क्लोनिंग करवाते हैं तो फिर वेक्टर के तौर पे हम इस्तेमाल करेंगे YAC यानी यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। और किसी प्रोक्रियोट का जीन अगर हम उसको प्रोक्रियोट की डीएनए की सेगमेंट उसको अगर हम क्लोनिंग करवाते हैं उसकी किसी बैक्टीरियल सेल को होस्ट लेके तो उसमें जो हम वेक्टर इस्तेमाल करेंगे वो क्या होगा VAC यानी कि बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो ऐसे हम डीएनए की फ्रेगमेंट्स जो हैं वो विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एंजाइम्स करके उनकी सीक्वेंसिंग करते हैं, क्योंकि पूरे इंटायर डीएनए की सीक्वेंसिंग करनी वो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो जिनका ज़्यादा जो है लेंथ वाइज डीएनए यानी कॉम्प्लिकेटेड होता है या जिसकी डीएनए की लेंथ ज़्यादा लंबी होती है मोस्ट ऑफ द यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर, तो उनको फ्रेगमेंट्स पहले करके फिर डिफरेंट सेल्स के अंदर क्लोनिंग करवा के उसकी सीक्वेंसिंग की जाती है। तो ये दो मेजर अप्रोचेज हैं। फिर इसके बाद आता है कि जब ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट यानी कि सीक्वेंसिंग ह्यूमन डीएनए की करनी शुरू की 1990 में और 2003 में ये सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, लेकिन फिर भी एट लास्ट इन मई मंथ में सबसे लास्ट में जो हमारा 24th क्रोमोसोम है, 24th क्रोमोसोम यानी इससे पहले 23 क्रोमोसोम्स की सीक्वेंसिंग हो चुकी थी,
जो सबसे आखिरी यानी 24th क्रोमोसोम, जो कि नंबर के या पोजीशन के मुताबिक अगर मैं बोलूं तो हमारे सेल्स के अंदर जो फर्स्ट नंबर पे क्रोमोसोम होता है उसकी सीक्वेंसिंग सबसे लास्ट में कंप्लीट हुई May 2006 में। और ये वो क्रोमोसोम है जिसके ऊपर लार्जेस्ट नंबर ऑफ जीन्स होते हैं, सबसे ज्यादा जीन्स इसी, यानी जो हमारा फर्स्ट नंबर का क्रोमोसोम होता है उसके ऊपर सबसे ज्यादा नंबर में जीन्स होते हैं। तो इसकी सीक्वेंसिंग सबसे लास्ट में कंप्लीट हुई और वो कब हुई, 2006 में। मैंने 24 क्रोमोसोम क्यों बोले, 24 इसलिए कि 22 हो गए ऑटोसोम्स और लास्ट में 2 क्या है, एलोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स। तो जो फीमेल्स में XX और मेल्स में XY होगा, तो उन दो को अगर हम काउंट कर लें तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 24 हो गए। तो उन 24 में से लास्ट में जिसकी सीक्वेंसिंग कंप्लीट हुई दैट वाज क्रोमोसोम नंबर 1। अब इसके बाद मैं फाइंडिंग्स की अगर बात करूं कि इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की फाइंडिंग्स क्या निकली, जो गोल हमने कुछ फिक्स किए, उसके बाद मेथड्स हमने मेथडोलॉजीज अप्लाई की, अप्रोचेज अप्लाई की, तो उसके बाद रिजल्ट क्या आया, तो गोल्स क्या आए, मतलब उसकी फीचर्स क्या आई। तो फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो पहला गोल हमारा था टू डिटरमिन दी टोटल नंबर ऑफ जीन्स और टू आइडेंटिफाई ऑल दी जीन्स इन ह्यूमन जीनोम। तो ये आइडेंटिफाई हुआ कि हमारे एक ह्यूमन जीनोम के अंदर 30,000 जीन्स होते हैं, जो कि पहले एस्टिमेट था कि 1 लाख, 2 लाख, 1 एंड 1.5 लाख ऐसे एस्टिमेट करते थे हम। तो इस प्रोजेक्ट के बाद जो नंबर आया जीन्स का वो 30,000 के अप्रॉक्सीमेटली। दूसरी चीज कि 99.9% हम सबके जीन्स, हम सबके मतलब सारे ह्यूमन बीइंग के, जितने भी ह्यूमन बीइंग की मैं बात करूं तो दुनिया में सभी ह्यूमन बीइंग में 99% जीन्स आर सिमिलर, एक जैसे हैं। डिफरेंस कितने का है, 0.1%, और उस डिफरेंस के कारण ही हम सब की इंडिविजुअलिटी मेंटेन्ड है, हम सारे एक दूसरे से वेरी करते हैं। तो डिफरेंस सिर्फ 0.1% का है। फिर इसके बाद आता है कि हमारे में यानी हमारे पूरे जीनोम के अंदर 3,164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस होते हैं, मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस, न्यूक्लियोटाइड बेसिस ये हमारे जीनोम के अंदर होते हैं। ये इस जीनोम प्रोजेक्ट की, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की फाइंडिंग थी। फिर इसके बाद है कि जो हमारे में लार्जेस्ट अगर मैं बात करूं तो जो लार्जेस्ट जीन है ह्यूमन बॉडी में वो होता है डायास्ट्रोफिन। लार्जेस्ट जो जीन होगा हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ह्यूमन जीनोम के अंदर अगर हम देखें तो लार्जेस्ट जो जीन है वो है डायास्ट्रोफिन। ये एक प्रोटीन है, तो उस प्रोटीन को बनाने वाला जो जीन है या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन है ये लार्जेस्ट जीन है हमारी बॉडी के अंदर। और इस जीन का जो साइज होता है तो इसमें 2.4 मिलियन बेसिस होते हैं, मिलियन बेसिस, नाइट्रोजन बेसिस। तो ये लार्जेस्ट जीन है। फिर हमारा जैसे मैंने बोला कि क्रोमोसोम नंबर वन, क्रोमोसोम नंबर वन जिसकी सबसे लास्ट में सीक्वेंसिंग हुई, इसमें नंबर ऑफ जीन्स इस क्रोमोसोम के ऊपर, बिकॉज वी कॉल दैट क्रोमोसोम्स आर हेरिडिटी कैरियर्स, क्रोमोसोम्स हेरिडिटी के कैरियर्स हैं, एंड ऑन दी क्रोमोसोम्स जीन्स आर लोकेटेड एट स्पेसिफिक पोजिशंस विच आर कॉल्ड एज जीन लोकाई,
तो क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स होते हैं, तो हमारा जो ये क्रोमोसोम नंबर 1 है इसके ऊपर जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट होते हैं, और वो कितने हैं? 2968। इतने नंबर ऑफ जीन्स जो हैं वो क्रोमोसोम नंबर 1 के ऊपर होते हैं, और सबसे कम यानी मिनिमम नंबर ऑफ जीन्स जो हैं दे आर प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोसोम, जो कि मेल्स में ही होगा क्रोमोसोम, इसके ऊपर 231 जीन्स होते हैं, 231 जीन्स। तो ये मिनिमम नंबर ऑफ जीन्स हैं जो हमारे क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं। हमारा जो इंटायर जीनोम है उसमें से सिर्फ 2% ओनली 2% डीएनए कोड्स फॉर प्रोटीन्स, सिर्फ 2% हमारे जीनोम का हिस्सा है जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। 50% हमारे जीनोम का जो पोर्शन है उसके फंक्शंस अननोन हैं, मोर देन 50%, 50% से भी ज़्यादा मैं बोलूँगा कि उसके अननोन फंक्शंस हैं, अननोन फंक्शंस, यानी हमें अभी उसके बारे में नहीं पता कि क्या फंक्शंस वो परफॉर्म करते हैं। यानी इवन ये 13 ईयर के प्रोजेक्ट के बाद भी 50% हमारे डीएनए का जो पोर्शन है उसके फंक्शंस अननोन हैं। नेक्स्ट है कि हमारे डीएनए के ऊपर ज़्यादातर जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड की वो रिपीटेड मैनर में होती है, रिपीटेड मैनर में, यानी रेपिटेटिव डीएनए जो है वो ज़्यादा है। और फर्स्ट प्रोक्रियोट, इसके साथ ही अगर हम इससे अलग हटके थोड़ी बात करूं तो ये फाइंडिंग आ गई हमारे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की, लेकिन जो फर्स्ट प्रोक्रियोट था, फर्स्ट प्रोक्रियोट जिसके जीनोम की सीक्वेंसिंग की गई वो एक बैक्टीरियल सेल था, हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजे, हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजे ये एक बैक्टीरियल सेल है जिसके जीनोम की सबसे पहले सीक्वेंसिंग हुई। और अगर मैं यूक्रियोट्स की बात करूं तो फर्स्ट जो यूक्रियोट था वो यीस्ट सेल। तो ऐसे अकेले ह्यूमन के जीनोम की ही जो है सीक्वेंसिंग नहीं हुई, उसके साथ साथ वेरियस प्रोक्रियोट्स और यूक्रियोट्स के डीएनए की भी सीक्वेंसिंग जो है वो टाइम टू टाइम होती रही है, तो यूक्रियोट्स में यीस्ट सेल की। तो इस तरह से ये इंटायर जो था हमारा टॉपिक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का, तो ह्यूमन जीनोम में जीनोम पहले क्या है, फिर उसके बाद क्या ये प्रोजेक्ट के बारे में कि कब शुरू हुआ, कब इसको लॉन्च किया गया, ये एक मेगा प्रोजेक्ट था, इसके गोल्स क्या थे और इसकी जो थी अप्रोचेस क्या थी, और लास्ट में इसकी फाइंडिंग्स क्या थी, ये हमने बात की है। थैंक यू वेरी मच।